आरसीबी वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के मैच में सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की प्रैक्टिस पर कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, जिसमें उन्होंने अनुष्का का नाम भी यूज़ किया था। फिर अनुष्का ने ये जो आप स्क्रीन पर अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये अनुष्का ने अपने स्टोरी पर लगाया था इंस्टाग्राम की। फिर अब आज के मैच में सीएसके वर्सेस डीडी के इस मैच में सुनील गावस्कर ने भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए पूरा समझाया कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे अपनी बात से, क्या वो रखना चाहते थे, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। आप खुद ऑडियो सुनिए। हाँ, तो हम थोड़ा कॉमेडी कर रहे थे और हम प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे थे। लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, तो इसी के बारे में तो हम बात कर रहे थे। और उसी में मैंने ये भी कहा था कि विराट कोहली को भी कोई मौका नहीं मिला लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने के लिए, सिवा वो जो हमने एक वीडियो देखी थी कि जहाँ पे वो अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में वो खेल रहे थे। तो वही मैंने कहा कि विराट ने सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग खेली थी, बस ये मेरे शब्द थे। मैं जो भी जिसको भी कोई ऑब्जेक्शन हो, मैं उनको यही कहूँगा, आप इसे गौर से सुनिएगा मैंने कहा क्या कहा था और उसमें मैंने क्या गलत कहा। मैंने ना सेक्सिस्ट कमेंट किया, ना मैंने अनुष्का को ब्लेम किया, किसी को दोषी ठहराया। और उस गेंद में आपने देखा होगा, उस गेंद में विराट तो उन्होंने बैटिंग कर रहे थे, अगर वो आउट हो जाते उस गेंद को तो फिर आप कुछ कह सकते कि हम किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने उसके बाद में काफ़ी गेंदों बाद वो आउट हुए थे। तो मैं जिन सबको कहता हूँ, उसे वापस देखिएगा, उसको वापस सुनिएगा और उसके बाद में फिर आपको जो कहना है कहिएगा। दूसरा कोई कह रहा है कि दूसरा कोई हेडलाइन बना रहा है, उसको मत सुनिएगा, अपने कानों से अपने आँखों से देखिए।